इस ग्रह में विकास की जो प्रक्रिया हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ग्रह पे जीवन की शुरुआत हुई एक कोशिका वाले जीव से, और तब से लेकर आज तक हम काफी आगे निकल आए हैं। एक जीवन के एक सरल प्रकार से लेकर जीवन के इतने जटिल रूप तक, जैसा कि मैंने कहा, विकास की इस प्रक्रिया की यादें हमारे अंदर आज भी मौजूद है। पशु प्रकृति के विभिन्न आयाम और कई सारी मानव पीढ़ियां जिससे होकर हम गुजरे हैं, उन सब की यादें हमारे भीतर आज भी मौजूद हैं। अगर आप इस जीवन के अंदर गहराई में झांक के देख सकें, तो आप देखेंगे कि यहाँ लाखों करोड़ों जीवन की यादें मौजूद हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर मौजूद है। कभी कभी आप कुत्ते की तरह गुर्राते भी हैं, कभी कभी आप किसी बंदर की तरह व्यवहार भी करते हैं, और कभी कभी तो आप कीड़े मकौड़ों की तरह भी व्यवहार करते हैं, है कि नहीं? अगर आप जागरूकता बरकरार न रखें तो बहुत आसानी से हम वापस अपनी पशु प्रकृति में फिसल सकते हैं। तो योग का एक आयाम है वह पशु प्रकृति जो हमारे भीतर मौजूद है वो प्रकट ना हो पाए, उसे प्रकट ना होने देना, बल्कि उसे रूपांतरित करना। इसीलिए शिव के एक आयाम का नाम है पशुपति। जब हम कहते हैं पशुपति तो लोगों को लगता है शायद वही कोई ग्वाले थे, बहुत सारे जानवर थे उनके पास। नहीं, जब हम कहते हैं शिव एक पशुपति थे तो इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी पशु प्रकृति पर संपूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। पशु प्रकृति हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम सचेतन हो जाएं, तो हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस तरह से व्यवहार करेंगे। अगर आपके अंदर ये जागरूकता नहीं है तो किसी पल आप सुंदर हैं, दूसरे ही पल आप बिल्कुल भद्दे हैं, किसी पल आप बहुत ही उदार हैं, किसी दूसरे पल आप बिल्कुल कंजूस हैं। तो वह व्यक्ति जो अपनी पशु प्रकृति से ऊपर उठ गया है वह पशुपति है। तो योग के कई आयाम जानवरों के नाम पे हैं। आप में से जो लोग योग का अभ्यास करते हैं, आप जानते होंगे कि कई आसनों के नाम भी कई जानवरों के नाम पे रखे गए हैं। इसका उद्देश्य है उस पशु प्रकृति के परे जाना, जिसे आज आप विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जिसका अध्ययन किया और जिसके बारे में विस्तार से बताया कि इस धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ था। दरअसल 15,000 साल से भी पहले आदि योगी ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बात की थी। आप लोगों ने 10 अवतारों के बारे में सुना होगा। आदि योगी ने इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यानी कि जीवन का वह रूप जो पानी में पैदा होता है, जो जल में रहता है। अगला अवतार है कूर्मावतार, एक ऐसा प्राणी जो कभी जल में रहता है, कभी थल में रहता है, यानी कभी धरती में रहता है। उसके बाद वो बीच के छोटे मोटे कई प्राणियों को छोड़ते हैं और कहते हैं अगला अवतार है वराहवतार, यानी एक स्तनधारी जंतु, लेकिन उसका सबसे मूल रूप जिसे एक सुअर कह सकते हैं या जंगली सुअर। देखिए, आज भी अगर आपके आसपास कोई बहुत ही बिल्कुल मूल तरह का व्यवहार करता है तो आप कहते हैं तुम्हें बिल्कुल सुअर की तरह हो। अगला अवतार है नरसिंह अवतार, यानी एक ऐसा प्राणी जो आधा जानवर है आधा इंसान है। अगला अवतार है वामन अवतार, यानी एक नाटा आदमी, एक छोटा आदमी। अगला अवतार है परशुराम अवतार, यानी कि एक पूर्ण विकसित इंसान, लेकिन भावनात्मक स्तर पे बहुत असंतुलित। आपने परशुराम की कहानियां सुनी हैं कि वो भावनात्मक रूप से कितने अस्थिर थे, उन्होंने खुद अपनी माँ का सिर काट दिया था। अगला अवतार है राम अवतार, यानी कि एक शांत इंसान। अगला अवतार है कृष्ण अवतार, यानी एक प्यार करने वाला इंसान। और अगला अवतार है बुद्धावतार, यानी कि एक ध्यानशील इंसान। और अगला अवतार माना गया है कि एक रहस्यदर्शी होगा या दिव्यदर्शी होगा। अब ये जीवन के विकास के चरण हैं। तो जीवन के विकास के जो चरण हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसका अध्ययन करने की जरूरत है, ये आपके भीतर भी हो रहा है। देखिए, मनुष्य होने का महत्व ये है कि इस धरती पर हर दूसरे प्राणी के लिए प्रकृति ने दो लकीरें खींची हैं। उन्हें अपना जीवन इन दो लकीरों के भीतर ही जीना होता है, इन दो लकीरों के बीच में ही वो अपना जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन इंसान होने का महत्व यह है कि प्रकृति ने आपके लिए सिर्फ एक रेखा खींची है, केवल निचली रेखा खींची गई है, ऊपर कोई रेखा नहीं है। एक इंसान के रूप में आपकी संभावना को कोई अंत नहीं है। अगर आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं तो एक इंसान अपने जीवन में क्या क्या अनुभव कर सकता है, इसकी प्रकृति ने कोई सीमा तय नहीं की है। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर इंसान जब वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं,
तो आमतौर पर वो अपनी सीमाओं की बात करते हैं। जब कोई कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, वो ये कह रहे हैं कि मेरी सीमाएं हैं। लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि जब कोई इंसान कहता है मैं इंसान हूँ, तो उसका अर्थ होता है कि वो एक संभावना के रूप में खुद की बात कर रहा है, एक ऐसी संभावना जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, जब हम कहते हैं इंसान, अंग्रेजी में इंसानों को कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। इसका अर्थ है कि यू आर स्टिल अ बीइंग, आप अभी पूरी तरह से अपने चरम तक नहीं पहुंचे हैं। कैसे होना है, हाउ टू बी, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे होना है। अभी अगर आपको पता हो कि अपने भीतर कैसे होना है, तो आप आनंदित रहना चाहेंगे या चिंता या तनाव में होना चाहेंगे। देखिए, आपको यह समझना होगा कि आपकी समस्या सिर्फ मानसिक है। जो चीज एक बहुत बड़ी संभावना है, लोगों ने उसे एक पीड़ा का स्रोत बना दिया है। देखिए, जो चीज जस्ट 10 साल पहले हुई थी, उसका दुख आपको आज भी हो सकता है। हो सकता है जो चीज परसों हो, उसका दुख आपको अभी से हो सकता है। तो आपको जीवन का दुख नहीं है, आपको सिर्फ अपनी याददाश्त और कल्पना का दुख है। देखिए, जो चीज 10 साल पहले हुई थी, अगर वो आज भी आपको कष्ट पहुंचा रही है, तो इसका मतलब है आप जीवन से दुखी नहीं हैं, आपको सिर्फ आपकी याददाश्त दुख पहुंचा रही है। परसों जो चीज होने वाली है, अगर आज आपको उसका दुख है, इसका मतलब है आपको जीवन का दुख नहीं है, आपकी कल्पना आपको कष्ट पहुंचा रही है। देखिए, ये दो क्षमताएं वो क्षमताएं हैं जो हमें इस धरती के सभी प्राणियों से अलग बनाती हैं, है कि नहीं। इंसान के रूप में हमारे पास ये दो अनोखी क्षमताएं हैं कि हमारे पास एक स्पष्ट याददाश्त है और एक बहुत ही शानदार कल्पना शक्ति है। अब समस्या ये है कि आपको जो दो शक्तियां दी गई हैं, उसे संभालने के लिए आपके अंदर जरूरी स्थिरता नहीं है, आपके अंदर जरूरी संतुलित आहार नहीं है, आधार नहीं है। आपको अपने अंदर एक स्थिर और संतुलित आधार बनाना पड़ेगा, ताकि ये बुद्धि पूरी तरह से विकसित हो सके और अपनी परम क्षमता को प्रकट कर सके। देखिए, जब आप किसी दुख में होते हैं या कष्ट में होते हैं, आप कह सकते हैं मैं चिंता में हूं, मैं तनाव में हूं, लेकिन असलियत यह है कि आपने अपने विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं सीखा है। कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी ने चाकू लेके आपके ऊपर हमला किया हो? कभी कभार शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो, शायद बस मच्छरों ने आपको काटा हो, है कि नहीं। तो जब हम कहते हैं पशुपति, तो इसका अर्थ है कि आपने शरीर, मन और भावना पे काबू पा लिया है, वे आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। जब आपके अंदर दुखी होने का डर नहीं होता, केवल तभी आप अपने जीवन में पूरा कदम बढ़ा पाएंगे। जब तक आपके जीवन में दुखी होने का डर है, आप कभी पूरा कदम नहीं बढ़ाएंगे। आपका पूरा जीवन बस आधे उठाए कदमों का सिलसिला बन के रह जाएगा। जब आपके अंदर दुखी होने का कोई डर नहीं होगा, तभी आप चेतना की गहराइयों में जाना चाहेंगे, एक इंसान के रूप में अपनी संपूर्ण क्षमता को खोजना चाहेंगे। तो खुश रहना और शांत रहना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर आप एक इंसान के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं, तो खुश और शांत रहना इसके लिए एक मूलभूत जरूरत है।